हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हो मास्टर शेफ़, और आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल डिश अंडालू एक करी। अंडालू भी बोल सकते हो आप इसको, एक करी भी बोल सकते हो, जो भी आपकी पसंद है बोल दीजिए। उसके लिए लिया अक्खा धनिया, टमाटर चॉप, चिल्ली चॉप, कोथमीर और मेथी को मैंने पानी में भिगो लिया, गार्लिक जिंजर पेस्ट और तीन लिया मैंने बड़ा बड़ा प्याज, और ये मेरे मसाले जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ। इसमें नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, बाद में आगे वीडियो देख लेंगे। ये मैंने तीन प्याज है ये मैंने इस तरीके से काट लिया। डेढ़ चम्मच इसमें ऐड करूँगा मैं जीरा, और दो से ढाई चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगा अक्खा धनिया, सूखा धनिया भी बोलते हैं इसको, थोड़ा सा काली मिर्च, और इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे एकदम से। इसको पीस लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसको हमने फाइन पीसना है, एकदम पतला करके एकदम फाइन पीसना है। पानी कम रखना है लेकिन इसको फाइन पीसना है। अगर पानी चाहिए तो थोड़ा ऐड करके फिर से पीस सकते हो। देखिए मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है इसका। अब इसको एक हांडी में निकाल लेंगे, एक बोल में निकाल लेंगे इसको इस तरीके से। ये पेस्ट हमारा रेडी है, चलो अब ग्रेवी बनाते हैं। मैंने सबसे पहले हांडी लिया, उसके बाद ऑयल डाला, ये कुकिंग ऑयल है जो मैंने मेथी के दाने जो भिगो के रखे थे। अब मैं इसमें एक चम्मच मेथी डालूंगा, ये मैंने भिगो के रखे 8 से 10 मिनट। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मेथी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसको। ये मेथी हमारी रेडी है। अब इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, और इसको जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके अब डालेंगे 2 चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट। अब इसको हम लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से रेड कर देना, जलाना नहीं इसको, रेड कर देना इस तरीके से। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, और इसको थोड़ा सा मिला लेना है। हल्दी हमारा रेडी हो गया। अब इसमें जो हम लोगों ने पेस्ट किया था प्याज का और जीरा का धनिया का पेस्ट ऐड कर देना, और इसको अच्छे से भूंजना है थोड़ा सा पानी ऐड करके। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, पहले मसाले में ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1/2 स्पून, जीरा पाउडर 1/2 स्पून, मसाले बहुत कम रहेंगे इसमें, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, मैंने पहले बोल दिया, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली चॉप, जितना भी आप स्पाइसी खाते हो उसी हिसाब से थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें इसको, और इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 डब्बू, मतलब कि थोड़ा सा 250 ml पकड़ लीजिए आप। और इसको मसालों को अच्छे से पका लेंगे। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा और ऐड करूँगा, पानी कम है इसमें, बस। अब इसको हम लोगों ने अच्छे से इतना पकाना है इस मसाले को कि ये ऑयल आ जाए ऊपर, हमारा मसाला रेडी हो जाए, फिर इसका आगे का तैयारी करेंगे। पूरा वीडियो देखिए स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को कट नहीं करना पूरा, तो समझ में आएगा। बहुत अच्छी डिश है और बहुत स्पेशल है, सभी बनाते हैं घर पर, और मैं भी बनाता हूँ रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग टमाटो चॉप, और इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। अब मैंने तीन आलू लिया है, इसको बॉईल कर लिया, कुछ नहीं डाला मैंने, सिर्फ इसको बॉईल किया है, और इसको हाथ से इस तरीके से मोटा मोटा तोड़ लेंगे, पेस्ट नहीं बनाना। और मैंने 10 से 11 अंडे लिए हैं, एक, और इसमें हम लोग आलू जो हमने हाथ से बीज अभी तोड़ा है उसको ऐड कर देंगे, 3 आलू है बड़ा बड़ा, और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला के हम लोगों ने इसमें करीबन 2 लीटर तक हमने पानी ऐड करना है इसमें, और पकाते पकाते उसको 1 लीटर कर देना है 15 से 20 मिनट। उसमें अभी इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे 2 लीटर।
अभी और करेंगे इसमें थोड़ा पानी और, देखिए अभी भी कम है, थोड़ा और करेंगे इसको एकदम पतला। आपको सालन कर देना ये पका पका के, फिर आप इसको एक लीटर कर देना, तो आप राइस के साथ भी और चपाती के साथ भी इंजॉय कर पाओगे ये डिश। राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, बेस्ट राइस के साथ रखता है। अगर आपको राइस अच्छा नहीं लगता तो आप चपाती के साथ भी खा सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा कोथमीर ऐड कर देंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और अपना एग इसमें फ्राई करेंगे। इस तरीके से टूथपिक से होल कर देंगे जिससे कि फटे ना, देखिए इस तरीके से। एक हाफ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर इसमें मिला के इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से मिला लेंगे, देखिए इसको, और इसको फ्राई कर लेंगे हम लोग। हम लोगों ने इसको सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा रेड हो जाए, देखिए इस तरीके से हमारा एक रेडी हो गया। अब आते हैं फिर से हम लोग ग्रेवी की तरफ। हमारा ग्रेवी देखिए अभी पक ही रहा है, इसको हम लोगों ने पका पका के आधा कर देना है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें आलू हम लोग एग ऐड कर देंगे, अंडा, और इसको फिर से पकाएंगे हम लोग 5 से 7 मिनट। देखिए इस तरीके का कलर आना चाहिए हमारे एग्स में, एग। फिर आप बोलोगे कि क्या बोला, एग अंडा हिंदी में। अब इसको हम लोगों ने देखिए पका पका के 1 लीटर पानी कर देना और इसमें एग डाल के, एग्स डाल के, और इसको अच्छे से पका देना है। अब ज़्यादा नहीं, इसको 3-4 मिनट ही पकाना है। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा कोथमीर ऊपर से डाल के ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है सिर्फ 4 से 5 मिनट। और फिर 5 मिनट बाद इस ढक्कन को ओपन करोगे तो एकदम ऊपर रोगन हो जाएगा और ये ग्रेवी जो है वो ठीक हो जाएगा। आप चाहो इसके साथ इंजॉय करो, लेकिन राइस के साथ, अगर आप राइस के साथ इसको खाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, राइस के साथ बेस्ट लगता है। खाए आप रोटी के साथ भी सकते हो, लेकिन राइस के साथ बेस्ट लगता है, राइस के साथ। बस हमारा एक कल रेडी है। अब आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी रेसिपी। अगर एडिट करने में कुछ मसला हो या कुछ लैंग्वेज में मेरी थोड़ा कुछ लगा है आपको, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिन से इधर अफ्रीका में हूँ तो थोड़ा हिंदी मेरा टूट गया। हमारा एक करी रेडी है, कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye.